हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपको पता है गर्मी का सीजन स्टार्ट होगा, लेकिन आज कल इतनी गर्मी पड़ रही है दिन भर गला सूखता रहता है। लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक या अदर अदर चीज़ें जो मिक्स रहती है उसको जो मार्केट में मिलावटी मिलती है, अधिकतर लोग उसको मिलावटी भी बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब में मिलावटी होती है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग वो है, बट हम कुछ देसी स्टाइल में कुछ अलग ट्राई करने आ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है ठंडी में सबसे ज़्यादा लस्सी पीकर ज़्यादा मज़ेदार है, पेट के लिए भी शरीर के लिए हर चीज़ें फायदेमंद होते हैं। जैसे भैया किससे मुलाकात हुई थी, जो कि हमारे मोनू भैया हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े भी हैं हमसे, उनसे काफ़ी अच्छी से बात हुई थी। उनकी शॉप है छोटी सी, तो उन्होंने मुझसे बोला था, उनकी शॉप पे हम आज आए हुए, तो आज यहाँ पे उनका दिखाते हैं किस तरह तो लस्सी बनाते हैं, यहाँ का व्यू भी दिखाते हैं जहाँ पे अपनी शॉप लगाए हुए हैं, छोटी सी स्टॉल है, काफ़ी बेहतरीन है। और भैया का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, उनसे बात भी करेंगे अगर हो सकता है तो आपको बात करके बताएंगे। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं भैया, क्या कुछ दिखाते हैं मेकिंग प्रोसेस किस तरह से रेडी करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, आपको टेस्ट देंगे। तब तक आप ब्लॉग के साथ बने रहिए, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। आपको लस्सी ज़्यादा पसंद है, लस्सी के बहुत ज़्यादा शौकीन है, या फिर आपको भी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, लस्सी पीने का मन रहा है, भैया की शॉप पर आइएगा, कंपायर आता कमेंट कीजिएगा। तब तक आप ब्लॉग के साथ बने रहिए लास्ट तक। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जितनी शॉप दिख रही है छोटे छोटे स्टॉल, मैंने आपको पहले इसके वीडियो में एक्सप्लोर करा ही दिए हैं, बट आपको अगर ब्लॉग रोज देखते होंगे तभी पता होगा हम कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर कराए हैं, फिर भी वहीं लोकेशन पे आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे मोनू भैया की लस्सी का कॉर्नर है, ये काफ़ी छोटी है, बट यहाँ पर पता चला मुझे देसी स्टाइल में काफ़ी अच्छी लस्सी बनाई जाती है। मैंने लोगों से सुना तो मैं भी यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर देखिए किस तरह से कुल्हड़ में भी लस्सी दी जाती है, यहाँ पर सारी चीज़ें किस तरह से रखी गई है, आपको हम पूरा दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे सेटअप किया गया, जो कि यहाँ पे दिल्ली ठंडी दही किस तरह से रखी गई, जो कि मटके में, आपको मटके में पता है किस तरह से दही रखी जाती है ताकि ठंडा पूरा बना रहती है। पूरा दिल्ली किस तरह से यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे गए हैं, ये देखिए काजू है, इसमें क्या है आपको गरी का बुरादा है, इसके बगल देख लीजिए आप दोस्तों चेरी रखा हुआ है, चेरी जैसा कि आजकल बच्चों बच्चों को पसंद है, यहाँ पे मुनक्का रखा है। पूरा भैया की शॉप है जो कि सेटअप की गई है, यहाँ पे देखिए स्कैनर भी रखा गया जो कि ऑनलाइन पेमेंट वाला ये है जिसमें बनाया जाता है। आपको मक्खियों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे मीठा उठा रहता है वहाँ पे मक्खियाँ अधिकतर लगती रहती हैं, क्योंकि मक्खियों पे ध्यान में दिया जाएगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से भैया अपना सेटअप किए हैं, पहले उन्होंने दही निकाला, उसके बाद इसमें जैसे चीनी का मिक्स कर रहे हैं ताकि मिठास अच्छे से बनी रहे, उसको जो गांव में खैलर बोलते थे, यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उससे पूरा मिक्स किया जाता है। जैसे कि गाँव में देखेंगे जितने लोग भी किस तरह से दही या मक्खन को निकाला जाता था, उस तरह से यहाँ पर सेटअप किया गया है। यहाँ पर बर्फ़ रखा गया, देखिए किस तरह से बर्फ़ तोड़ा जा रहा है, बर्फ़ की छोटी सी पीस को उसको दही में मिलाया जाएगा ताकि चिल्ड बनी रहे, एकदम कोल कोल रहे। देखिए भैया फिर मिलाने के बाद उसको मिक्स करेंगे। अब देखिए ये मोनू भैया जो कि बगल में है, ये इनकी छोटे भाई हैं जो कि शॉप पे बनाते हैं, मोनू भैया भी रहते हैं यहाँ पे। देखिए लस्सी को किस तरह से अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, आपको बर्फ दिख रही होगी, बर्फ़ थोड़ा वो भी गला नहीं है अब इसको, जब तक वो गल नहीं जाता तब तक भैया मिक्स करेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए, ताकि दोस्तों पीने में ठंडा लगे, काफ़ी अच्छा लगे। तो इसको हम आपको पूरा दिखाते हैं किस तरह से रेडी होने के बाद निकाला जाएगा। देखिए किस तरह से उसको एक गिलास में निकाला जाएगा, क्योंकि हम गिलास में ट्राई करने वाले हैं। देखिए किस तरह से ठंडी लस्सी को निकाला जा रहा है, उसको दिखाते हैं इस लस्सी में मिक्स क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि लस्सी तो पीने का आनंद तो आता ही आता है, लेकिन इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए दही है ऊपर से, जो कि दही डाला जाएगा, ये देखिए दही का छोटा सा पीस डाल दिया गया ऊपर से, उसके बाद इसमें गरी का बुरादा डाला जाएगा, इसलिए गरी का बुरादा जो है काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद इस पर चेरी भी डाली जाएगी, उसके बाद काजू भी मिक्स किया जाएगा, उसके बाद जो आपके यहाँ पे ड्राई फ्रूट है, वो ड्राई फ्रूट में बहुत सारे आइटम मिक्स किए गए हैं, जैसा कि आपको पता है गरी किशमिश ड्राई फ्रूट, इसके ऊपर ये क्या डाला जा रहा है नाम मुझे नहीं पता, आप सब कमेंट बताइए नाम क्या, जो रेड गिर रहा है मैंने नाम पता था बट भूल गया हूँ। भैया मेरी लस्सी रेडी करने के बाद मुझे दे दिए थे, किस तरह से दही पूरा लस्सी भरी हुई है, किस तरह से उसको दे दिया गया मुझे पूरा एकदम फुल, ले दीजिए आप कितना। जैसा कि दोस्तों हम सबकी लस्सी तैयार हो गई है, क्योंकि भैया दे लीजिए किस तरह से चेरी काजू मुनक्का डाला है, उसको हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल ठंडी है बहुत, पीने में कितना मजा आता है हम आपको बताते हैं, ट्राई करते हैं बड़े चम्मच से हम, काफ़ी ठंडी काफ़ी मस्त है भाई, जब चेरी भर भर के डाला गया है स्टफिंग आप तो देख सकते हैं, ये देखिए मुँह में काजू आया है, काफ़ी मज़ेदार है ठंडी लस्सी। मैंने भैया का मेरी पोस्टर दिखा के बताया, भैया ने रेडी किया है एकदम देसी स्टाइल में। अब आप कहिए तो देसी स्टाइल में पिए कि विदेशी स्टाइल में से पिए, वो पता है आपको मुँह में पानी आ रहा है,
गर्मी का सीजन चल रहा है, लस्सी पीने का अलग ही मजा है। ठंडी लस्सी है ये, देखिए दोस्तों कितना ज्यादा भर भर के दही डाला गया है, देखिए ऊपर से। काफी ज्यादा अमेजिंग भाई, बाप ज्यादा चीनी मिला के इतना बढ़िया बना गया, इतना मजा आ रहा है। और थोड़ा सा धूप कम है और धूप में ज्यादा मजा आती है इसको पीने में। अली दोस्तों में तो खत्म करने वाले हैं, बाजार ढूंढते हैं फिर आपको लोकेशन बताते हैं होने वाली जहाँ की है। कुछ लोग तो जान चुके होंगे, जो नए आए होंगे उनको हम बताते हैं अभी। जैसा कि दोस्तों आपके भाई ने मोनू भैया यहाँ पे ठंडी ठंडी लस्सी ट्राई की, पूरा ड्राई फ्रूट से भरी हुई थी, आपको मैंने दिखाया। अगर आपको भी ट्राई करना है भैया के साथ पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर तो जाएगा नहीं कोई भी लेके, आप गर्मी का सीजन है तो आपको पीने आना पड़ेगा। कुछ लोग को देख के मुँह में पानी आगा चले गए घर में पानी पीने के, पर ऐसा मत कीजिए, आइए भैया के साथ पे ठंडी दी लस्सी का आनंद लीजिए। टेस्ट इतना अच्छा था, पूरा ड्राई फ्रूट से भर के बना था, ताकि आप खाइए तो हेल्दी रहिए, शरीर भी बनी रही, फिट भी रहिए। क्योंकि अगर आप सब बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, अगर आप थोड़ा मिक्स वाली चीज़ें खाते हैं तो मज़ा नहीं आती, बट आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि इस तरह से भैया ने उसमें भर भर के चीज़ों का, उसमें ड्राई फ्रूट, उसके ऊपर से उन्होंने खोआ भी डाला था, जो कि मैंने आपको दिखाया खाते हुए मज़ा ही आ गया खाने में। क्योंकि खोआ तो सबका फेवरेट, कुछ लोग खोआ का कुछ कुछ बनाते रहते हैं, खोआ की मिठाई बनती है, गुजिया बनती है, तो मैंने आज खोया भी डाल, खोया बहुत डाला हुआ लस्सी ट्राई किया, भैया ने दिया था, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया था, भैया ने पर मिला के दिया था। अगर आपको भी ट्राई करना भैया के शॉप पर आना पड़ेगा, लोकेशन तो आपको पता चलेगा, लेकिन कुछ लोग नए होंगे या कुछ लोग देखते ही नहीं होंगे, उनको कहाँ पता चलेगा हम कहाँ पे आए हुए हैं। हम आए हुए हैं रामनगर पेट्रोल टंकी की जस्ट सामने। इसके पहले मैं 3-4 ब्लॉग डाल चुका हूँ, चाट, स्प्रिंग रोल, मोमोज, और सबसे ज़्यादा फेमस अजय भैया मेरे चाउमीन वाले की वीडियो मैंने डाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी, लोगों ने उसको देखा भी है। आप भी आइए मुनवीर शॉप पर, विजिट कीजिए, मुनवीर बात कीजिए, बाकी सारी लोकेशन आपको कैप्शन में मेंशन है, चेक कीजिए, विजिट कीजिए, कमेंट कीजिए।